जो तुम ना मेरी बाहों में। तो गाइस अभी जिस व्हाट्सएप स्टेटस को आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस तरह का दोस्तों स्टेटस बनाने के लिए आपको एक फोटो का जरूरत पड़ेगा, जिसकी हेल्प से दोस्तों आप कुछ इस तरह का वीडियो आप बना सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग के साथ मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को फटाफट एक लाइक कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर अगर आपने हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहाँ पर ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के ट्रेंडिंग स्टेटस के ट्यूटोरियल अपने चैनल पर अपलोड करता ही रहता हूँ। अब दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पर मैं अपने काइन मास्टर को ओपन करके रखा हूँ। अब आपको इस वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा और यहाँ पर दोस्तों आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस आपको उस वाली फ़ोटो को सिलेक्शन करना है जिस फोटो का दोस्तों आप यहाँ पर स्टेटस आप बनाना चाहते हो। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर नीरज भाई की एक फ़ोटो को सिलेक्शन कर लिया हूँ। अब दोस्तों इस वाली फ़ोटो को ड्यूरेशन को खींच के कुछ इस तरह से गाइस आपको 15 सेकंड के लिए आपको कर देना है, मतलब थोड़ा 15 सेकंड से आप कम ही रखिएगा। रख लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस प्रकार से फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको राइट साइड में एक एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इस वाले एडजस्टमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर गाइस आप अपने ब्राइटनेस को कुछ इस प्रकार से हल्का सा आप घटा लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से घटा लेने के बाद दोस्तों आपको सैचुरेशन को फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से पूरा घटा देना है और इसको भी फ्रेंड्स आपको पूरा घटा देना होगा। देख पा जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप कर लीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों आपको दौड़ के भाग के आपको इस वाले वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने सर्कल का जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको ये जो लेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे कुछ इस तरह के 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फर्स्ट ऑप्शन आपको मीडिया का दिख रहा है, आपको इसी वाले मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस आपको सर्कल का जो वीडियो है उसको फ्रेंड सिलेक्शन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो सर्कल का ब्लू स्क्रीन वाला वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना होगा। कर देने के बाद दोस्तों आपको जो ब्लू स्क्रीन है इसको फ्रेंड रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में आपको यहाँ पर एक कॉर्माकी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले कॉर्माकी का ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर गाइस जो आपको की कलर सिलेक्शन करना है कुछ इस प्रकार से गाइस आप यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इनेबल करेंगे जो आपका ग्रीन स्क्रीन का जो सर्कल है आपको यहाँ पर दिखने लगेगा, देख पा रहे हो। अब दोस्तों आपको ये 3 डॉट में क्लिक करके इसका डुप्लीकेट बना लीजिएगा और उस वाला डुप्लीकेट को दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप यहाँ पे थोड़ा कुछ इस प्रकार से आप पूरा घुमा लीजिएगा। कुछ इस तरह से घुमा लेने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से इसको फुल स्क्रीन में कर पहले आपको करना होगा। कर लेने के बाद कुछ इस तरह से आप इतना दूर इसको स्लाइड कर लीजिएगा। कुछ इस तरह से देख पा रहे जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है सेम टू सेम कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। कर लेने के बाद दोस्तों फिर से आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने बैड बॉय का जो टेक्स्ट है उसको देख के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले टेक्स्ट को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों सेम इसी वाले लेयर में क्लिक कीजिएगा मीडिया पे सिलेक्शन करके। अभी आपको टेक्स्ट का जो PNG है उसको फ्रेंड्स सिलेक्शन कर लेनी होगी और कुछ इस प्रकार से इस वाले लेयर में पकड़ के बड़ा कीजिएगा और इस साइड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एडजस्ट कर देनी होगी और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। इस तरह से गाइस आपका जो स्टेप 1 का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब आपको इस वाले शेयर में क्लिक करके आपको दोस्तों अपना फाइल को एक बार एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे जो मेरा फाइल यहाँ पर सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। अब दोस्तों बैक करके यहाँ से बाहर आना है। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले प्लस के मार्क में क्लिक करना होगा, 9:16 एस्पेक्ट रेशियो में सिलेक्शन करके आपका जो काइन मास्टर एप्लीकेशन है आपको यहाँ पर ओपन कर लेनी है। ओपन कर लेने के बाद दोस्तों आपको इस वाले सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके डिफॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ ए फोटो क्लिप इसको फ्रेंड्स आपको कुछ इस प्रकार से 3 सेकंड के लिए आपको कर देनी होगी। कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ओके कर लेना है। अब दोस्तों आपको जो राइट साइड में मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा, देख पा रहे हो, आपको इसी वाले मीडिया का ऑप्शन पर क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से गाइस आपको उसी वाली फोटो को दोस्तों दोबारा सिलेक्शन कर लेनी होगी। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो मेरा फोटो है उसको मैंने दोबारा से सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों इस वाली फोटो को कुछ इस प्रकार से 3 डॉट में क्लिक करके 7 बार फ्रेंड्स इसका डुप्लीकेट बनाना होगा। देख पा रहे हो यहाँ पर जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कुछ इस प्रकार से गाइस आप अपनी फोटो को अपने यहाँ पर 7 बार आपको डुप्लीकेट बना लेना होगा। बना लेने के बाद दोस्तों आपको जो प्लस का मार्क दिख रहा होगा यानी ट्रांजिशन का मार्क आपको इसमें क्लिक करना होगा।
जैसे ही दोस्तों आप इसमें क्लिक करेंगे, आपको दोस्तों दौड़ के भाग के आपको गेट मोर में चले जाना होगा, ठीक है। जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ से ये जो ट्रांजेक्शन है इसको फ्रेंड्स आप वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके दोस्तों आपको इसको ओपन करना है और यहाँ पर गाइस आपको एक नंबर पर आप सिलेक्शन कर दीजिएगा और कुछ इस प्रकार से गाइस इसको आपको एक सेकंड के लिए आपको रखना है। इस तरह से गाइस आपको जितने सारे ट्रांजेक्शन के प्लस के मार्क है, इन सारे प्लस के मार्क में गाइस कुछ इस प्रकार से ये जो ट्रांजेक्शन है इसको फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक एक करके आपको अप्लाई कर देना होगा। देख पा रहे हैं जिस तरह से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप अपने सारे फोटो के बीच में आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन अप्लाई कर दीजिएगा। मैं दोस्तों ये जो काम यहाँ पर फटाक से कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हो मेरे जितने सारे फोटो हैं, उन सारे फोटो के बीच में यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो में फर्स्ट तरफ आपको आना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इसी वाले लेयर में क्लिक करना है और मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा। और यहाँ से गाइस जो फाइल आपने अभी अभी आप एक्सपोर्ट किए हो उस वाली फाइल को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी होगी और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कर लीजिएगा। अब दोस्तों आपको जो ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है, देख पा रहे हो, इसको फ्रेंड्स रिमूव करना है। उसके लिए दोस्तों आपको जो राइट साइड में आपको यहाँ पर एक कॉर्माकी का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इस वाले कॉर्माकी के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको गाइस यहाँ पर जो की कलर सिलेक्शन करना है कुछ इस प्रकार से गाइस आप यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्शन कर लीजिएगा और आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे इनेबल करेंगे, जो आपको पीछे का फोटो है, इस जो खाली बॉक्सेस है इस जगह पे आपको दिखने लगेंगे। अब दोस्तों फिर से आपको इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में चले जाना होगा, जहाँ पर गाइस मैंने लाइटिंग इफेक्ट वाला जो वीडियो है उसको दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले वीडियो को डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके दोस्तों सेम इसी तरह से लेयर में क्लिक करना होगा, मीडिया पर सिलेक्शन करके उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है और फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके आपको अपनी जो वीडियो है उसको फुल स्क्रीन में कर लेना होगा। अब दोस्तों आपको जो ब्लैक स्क्रीन है इसको फ्रेंड्स रिमूव करना होगा। उसके लिए गाइस आपको राइट साइड के लास्ट में ब्लेंडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, आपको इस वाले ब्लेंडिंग में क्लिक करके आपको यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप सिलेक्शन करेंगे, जो आपका वीडियो है कुछ इस प्रकार से गाइस यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब दोस्तों लास्ट बार आप इस वाले वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, जहाँ पर गाइस मैंने बॉर्डर का जो PNG है उसको दे के रखा है। आपको दोस्तों उस वाले PNG को डाउनलोड करके कुछ इस प्रकार से सिलेक्शन कर लेनी होगी और इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा और इसका ड्यूरेशन को दोस्तों आपको वीडियो के एंड तक कर देना है। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब दोस्तों आपको अपने वीडियो जो ऑडियो लगाने का मन करेगा वो वाला ऑडियो लगा लीजिएगा। लगा लेने के बाद दोस्तों देख पा रहे जो मेरा वीडियो यहाँ पर कितने आसान तरीके से दोस्तों यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख ही रहा होगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों मिलते हैं किसी नई ट्रेंडिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।